सारा बोन स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस किया कि हमारे पास दो तरह के स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक्सियल स्केलेटल होता है, वेंट्रिकुलर स्केलेटल होता है। इसके अलावा हमने शेप्स की बेस पर बोन्स की क्लासिफिकेशन देखी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स की तरफ बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन जो बोन्स को है टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट बोन एंड सेकेंड इज स्पॉन्जी बोन। तो आप देखते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन किसे कहते हैं और स्पॉन्जी बोन किसे कहते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम बात करें तो इट इज बेसिकली डेंस एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट इट कैन विदस्टैंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेज। यानी कि अगर आप देखें इसकी स्ट्रक्चर को देखें कॉम्पैक्ट बोन के, तो ये बहुत ही डेंस और स्ट्रॉन्ग होता है। डेंस और स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, सो दैट इट कैन विदस्टैंड कॉम्प्रेसिव फोर्सेज, ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्सेज को विदस्टैंड कर सके। इट कैन बी फाउंड अंडर द पेरियोस्टियम एंड इन द डायफेसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। अभी आपको पेरियोस्टियम और डायफाइसिस के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। वेयर इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन सॉरी। कॉम्पैक्ट बोन का फंक्शन क्या होता है जी? कॉम्पैक्ट बोन का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इन लॉन्ग बोन्स। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज कॉल्ड एन ऑस्टियो। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज कॉल्ड एन ऑस्टियो, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है कॉम्पैक्ट बोन का, जिससे मिलकर एक कम्प्लीट कॉम्पैक्ट बोन बनती है, वो क्या है? ऑस्टियो, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम कहते हैं कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। तो कॉम्पैक्ट बोन जिस स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनती है उसका नाम क्या है? ऑस्टियो। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम चलते हैं। ईच ऑस्टियोन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। अब ऑस्टियोन का आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि वो किस तरह का होता है। कंपोज्ड ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, यानी कि इसपे राउंड एंड राउंड रिंग्स बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? ऑफ कैल्सिफाइड मेट्रिक्स। कैल्सिफाइड मेट्रिक्स यानी कि वो कैल्शियम से बना हुआ मेट्रिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड लैमेले। तो ऑस्टियोन में क्या क्या हमारे पास मौजूद है? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मौजूद है। किसकी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मौजूद है? कैल्सिफाइड मेट्रिक्स की। और उनके और उन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को क्या कहा जाता है? लैमेले कहा जाता है। रनिंग डाउन द सेंटर ऑफ ईच एस्टियोन, ठीक है। अगर हम एस्टियोन के, क्योंकि वो रिंग्स है ना, तो अगर हम सेंटर में मूव करेंगे ऑस्टियोन की, यू विल फाइंड अ सेंट्रल कैनाल व्हिच कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। यानी कि जैसे जैसे आप ऑस्टियोन के सेंटर में जाएंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ये आपको इस डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो मैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की बात कर रही थी, ये बेसिकली आपको एक ऑस्टियोन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। इसके सेंटर में अगर आप देखें, ये देखें सेंटर में आपको नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही है आपके पास? वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व्स आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है? ऑस्टियोन का। ऑस्टियोन को मैंने किस तरह से अभी एक्सप्लेन किया कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए, रिंग्स बनी हुई है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनी हुई है। और ये किस, यहाँ पे जो आपको ग्रे में मटेरियल नजर आ रही है, किस चीज का मटेरियल है? दैट इज बेसिकली अ कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है। कैल्सिफाइड मैट्रिक्स यानी कि ये यहाँ पर सारा कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। एंड दिस कैल्सिफाइड मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया था? कॉन्सेंट्रिक लैमेले का नाम दिया था। और ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था पेरियोस्टियम, मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इट इज बेसिकली दी आउटर फाइबरस लेयर। ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये फाइबर्स की लेयर होती है बोन के ऊपर, तो ये इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम कहा जाता है, ठीक है। और उससे जो अंदर की तरफ होती है वो हमारे पास क्या होती है? ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है। और ये आपको सेंट्रल कनाल की बात की गई थी, तो ये बेसिकली क्या है? सेंट्रल कनाल आपको नजर आता है, ठीक है। वो जो हमने कहा है कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो है उनके सेंटर में मूव करें तो आपको एक सेंट्रल कनाल नजर आएगी। और उस कनाल में आपको क्या क्या मिलता है? आपको आर्टरीज मिलती है, सॉरी वेन्स मिलती है, आर्टरीज मिलती है, इसके अलावा नर्व्स मिलती है और लिम्फेटिक वेसल्स मिलती है। तो ये क्या बना देता है? बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है? एक कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है। जितना भी आपको ये बताया गया है, दिस इज बेसिकली अ कॉम्पैक्ट बोन स्ट्रक्चर। और उसका स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? ऑस्टियोन, ठीक है। ऑस्टियोन उसका, देखिए बहुत सारे ऑस्टियोन से मिलके, बहुत सारे ऑस्टियोन आपको नजर आ रहे हैं और इससे मिलके क्या बनी है? एक कॉम्पैक्ट बोन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ बोन, स्पॉन्जी और कैंसिलस बोन।
स्पॉन्जी बोन हैज ओपन स्पेसेस. ठीक है, स्पॉन्जी के नाम से आपको पता लग रहा है कि इट इज लाइक अ स्पंज. आपने स्पंज अगर देखा हो तो उसमें आपको बहुत से छोटे छोटे से होल्स नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, उसमें स्पेसेस होती हैं, ओपन स्पेसेस होती हैं. सो स्पॉन्जी बोन हैज ओपन स्पेसेस एंड सपोर्ट्स शिफ्ट्स इन वेट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वो ओपन स्पेसेस की क्या जरूरत है ताकि वो जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट होता है उसको सपोर्ट कर सके. इट कंटेन्स ऑस्टियोसाइट्स हाउस्ड इन ल्यूसेना बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स. यानी कि जो स्पॉन्जी बोन है उसके स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपके पास? ऑस्टियोसाइट्स. और वो कहाँ मौजूद है? ल्यूसेना में मौजूद है. इसको भी मैं आगे अभी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. बट दे आर नॉट अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, जिस तरह से आपने कॉम्पैक्ट बोन में देखा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, उस तरह से स्पॉन्जी बोन में आपको ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं मिलते ऑस्टियोसाइट्स के. इंस्टेड इसके बजाय द ल्यूसेना एंड ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन अ लैटिस लाइक नेटवर्क. ठीक है, एक लैटिस की तरह का नेटवर्क बना होता है. किस चीज का? ऑफ मैट्रिक्स स्पाइक्स कॉल्ड ट्रैबिकुले. और उस मैट्रिक्स एक लैटिस लाइक नेटवर्क बना हुआ है मैट्रिक्स स्पाइक्स का, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड आर ट्रैबिकुले. ठीक है, इसको हम डायग्राम में भी देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली देख लेंगे अभी आगे. द स्पेसेस ऑफ द ट्रैबिकुलेटेड नेटवर्क. क्योंकि आपको पता है स्पेसेस की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्पॉन्जी बोन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में हमें स्पेसेस मिलती है. ठीक है, द स्पेसेस ऑफ द ट्रैबिकुलेटेड नेटवर्क प्रोवाइड बैलेंस टू द डेंस एंड हैवी कॉम्पैक्ट बोन. ठीक है, इन स्पेसेस का क्या फंक्शन होता है या इस ट्रैबिकुलेटेड नेटवर्क का क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली बैलेंस प्रोवाइड कर रही होती है. किसको बैलेंस प्रोवाइड कर रही होती है? डेंस एंड हैवी कॉम्पैक्ट बोन्स को. ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन्स को बेसिकली ये फैसिलिटेट कर रही होती है स्पॉन्जी बोन्स बाय मेकिंग बोन्स लाइटर. बोन्स को लाइट करके इनमें स्पेसेस, देखो अगर आप स्पेस के साथ कोई चीज को जोड़ोगे तो उसका वेट जो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर आप उसको इकट्ठे करके जोड़ोगे विदाउट एनी स्पेसेस तो उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा. ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन्स क्या करती है? कॉम्पैक्ट बोन को बैलेंस प्रोवाइड कर रही होती है. किस तरह से प्रोवाइड कर रही होती है? कि बोन्स को लाइट किया जा सके सो दैट मसल्स कैन मूव देम मोर इजीली. ठीक है, अगर हम बोन्स बहुत ज्यादा हैवी होगी तो फिर हम मसल्स को इजीली मूव नहीं करवा सकते. ठीक है, हमारे मसल्स जो है वो बेसिकली हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो वो फिर प्रॉपरली इजीली मूव नहीं कर सकते अगर वेट ज्यादा होगा बोन्स का तो. इन एडिशन द स्पेसेस इन सम स्पॉन्जी बोन्स कंटेन रेड मैरो. ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन स्पेसेस का? कि इन ये जो स्पेसेस मौजूद होती हैं स्पॉन्जी बोन में उसके अंदर हमारे पास पाया जाता है रेड मैरो. वेयर हिमेटोपोइसिस, बहुत ही हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो क्या है? ब्लड सेल की प्रोडक्शन. ठीक है, वो कहाँ हो रही होती है? बेसिकली रेड मैरो में हो रही होती है. और वो रेड मैरो आपको कहाँ मिल रही होती है? स्पॉन्जी बोन्स की स्पेसेस में मिलती है आपको वो रेड मैरो. ठीक है, एक और भी टाइप होती है मैरो की, वो हम आगे, येलो मैरो भी होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि वो किस तरह की होती है. जी यहाँ पर हम देखते हैं जी स्पॉन्जी बोन का एक स्ट्रक्चर. ये तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन थी. ठीक है, ये हमारे पास है स्पॉन्जी बोन. ठीक है, आप उसको इसमें आपको स्पेसेस नजर आ रही होंगी. जब हमने कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो उसमें आपको कोई स्पेसेस नहीं नजर आ रही थी. अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें तो आपको स्पेसेस, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस नजर आ रही हैं. ये बेसिकली ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है और उस नेटवर्क को हमने क्या नाम दिया था? ट्रैबिकुलेटेड नेटवर्क. ये आपके ट्रैबिकुलास हैं बेसिकली. ठीक है, ट्रैबिकुले, ट्रैबिकुले प्लूरल के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, ये आपके ट्रैबिकुले हैं, फ्रेमवर्क ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, स्पाइक्स की तरह, ये देखो स्पाइक्स की तरह निकले हुए हैं. ठीक है, स्पाइक्स की तरह निकले हुए हैं और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? लैमेले कहा जा रहा है. और यहाँ पर हमारे पास एंडोस्टियम आ जाती है. पहले हमने क्या कहा था? पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम या जो आउटर फाइब्रस लेयर है, उसके बाद हमारे पास एंडोस्टियम आ जाती है. ठीक है, और ये जो हमने लेक्यूना कहा था या लेस्यूना कहा था, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहे, तो ये बेसिकली लेक्यूना, ये स्पेसेस बेसिकली बीच में बन रही है. ठीक है, और हमारे पास हमने क्या कहा था कि स्पॉन्जी वो जो स्पॉन्जी बोन है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, वो ऑस्टियोसाइट्स क्या करते हैं? वो बेसिकली ये स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, इसके बाद ये ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी. फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी है कि स्पॉन्जी बोन में बेसिकली स्पेसेस मौजूद होती हैं और इस तरह का एक नेटवर्क, ये देखिए स्पेसेस मौजूद होती हैं और इसके अंदर नेटवर्क मौजूद होता है और मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है बेसिकली इसके अंदर,
ठीक है, और ये क्या है, स्पाइक्स निकले हुए हैं, उन स्पाइक्स को आप क्या नाम दे रहे हैं, लैमेले का नाम दे रहे हैं, और इस पूरे नेटवर्क को आप क्या कह रहे हैं, ट्रैबी के लिए का नाम दे रहे हैं।